05 जी, कौन सा बात करें? जी मैं मोहम्मद अयाज बात कर रहा हूँ। जी जी रावलपिंडी से। जी जी सवाल पूछिएगा। सर मैं दोनों हाथों से मजदूर हूँ और बचपन से खान साहब को जाना, क्रिकेट खेलते जाना, मेरा बचपन इसी में गुजरा है कि खान साहब को क्रिकेट खेले। देखिए मैं बहुत बड़ा इनका फैन हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस ये है कि 5 मिनट की जाना मुलाकात दरकार है। जी मुलाकात आप प्लीज एमएस साहब प्लीज इसको ऑर्गेनाइज करें। जी अगले कॉलर हमारे साथ 0519224900 पर कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ ग्रीस से। जी 12 साल से ग्रीस में मुकीम हूँ, मैं मंडी बाबू जीन का रहने वाला हूँ। गोजरा मंडी बाबू जीन में मेरी एक दुकान है जो 2013 में खरीदी थी, 3 मरले की दुकान है, जबकि 1 मरले के ऊपर DSP राजा फखर महमूद मलकवाल ने उसने कब्जा किया हुआ है, कब्जा कराया है। और पिछले 10 महीने से PMDU के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा दफा एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई आदमी ढूंढता ही नहीं है। ये नोट कर लिया आपका, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। मैं फिर से आप सबको बता दूं कि हमारा मुल्क का बहुत बड़ा जो मसला है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब से पाकिस्तान बना, जब से हमारे अजीम लीडर कायद आजम जो कॉन्स्टिट्यूशनल थे, सबसे बड़े वो कानून के ऊपर चलने वाले थे, बदकिस्मती से उसके बाद हम कानून की बारादस्ती से हट के तो ताकत की हुक्मरानी की तरफ चले गए। और ये एक बड़ा मसला, ये जो कब्जा ग्रुप भी है, ये जो कब्जा ग्रुप है ये कभी भी ताकतवर के ऊपर तो नहीं हाथ डालते, ये बेचारे वो कमजोरों की जमीनें कब्जा कर लेते हैं। तो इनके ऊपर तो मैंने पूरी जंग डिक्लेयर की हुई है। मैंने एक अपना मेरा जो पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, इसके ऊपर आप लिखा करें, अगर आपने इसके ऊपर इसका नंबर सबके पास है, आप अगर इस पोर्टल के ऊपर ये लिखते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि इसके बाद नीचे भी आप चलाएं ये नंबर, अगर आपकी किसी की भी जमीन के ऊपर कब्जा हुआ होगा और खास तौर पर किसी ताकतवर ने किया हुआ है, किसी कब्जा ग्रुप ने, प्लीज इसके ऊपर लिखें। मेरा काम है फिर उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना। मैं आपको बताऊं, अभी तक आपको हैरत होगी, ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमने तो जंग डिक्लेयर की हुई है ना ये कब्जा ग्रुप के ऊपर, तो बड़े बड़े हमने कब्जा ग्रुपों के ऊपर हाथ डाला हुआ है। कोई पुराने वजीर थे, कोई MPs थे, कोई MNAs थे, मैं आपको बताऊं कि इनमें से हमने कितनी अभी तक जमीन इन कब्जा ग्रुपों के हाथ से छुड़वाई है। इन्होंने सरकारी जमीन अरबों अरबों रुपए की कब्जा करके बैठे हुए थे, और ये वो लोग हैं जो पावर में रह के इन्होंने जमीनें कब्जा की हुई थी। तो अब तक मैं आपको पूरी फिगर दूंगा, मैंने यहाँ लिखी भी हुई है कि हमने जब से हमारी पावर में आए हैं हमने अब तक कितने लोगों से कितनी की जमीनें छुड़वाई हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, नंबर है आप पे भी आ रहा है 0519224900। आप इस करते रहे, मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने कितने अरबों रुपए की जमीन कब्जे से छुड़वाई है। और यह भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो पुराने वजीर और MNAs थे, हम सबको चैलेंज करते हैं कि अगर हमने एक भी किसी के ऊपर गलत इंतकामी कार्रवाई की हुई, आप अदालत में जा सकते हैं, अदालतें पाकिस्तान में आजाद हैं। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक भी इनमें से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारे लैंड रिकॉर्ड्स के ये कब्जे छुड़वाए हैं। ये तो ताकतवर है, और इसमें कई एक MNA जिसने अरबों रुपए की जमीन कब्जा की हुई थी, जो नून लीग की जो सीनियर मरियम नवाज उनके साथ जाके खड़ी हो गई और वो उनके साथ कहा जी बड़ा जुल्म हुआ है, क्यों नहीं आप जाके अदालत में पेश करते, क्यों आप लैंड रिकॉर्ड्स नहीं पेश करते। मैं एक मिनट ये भी आपको दिखा दूं, अभी तक कितने, अभी तक जी हमने 21,000 एकड़ जमीन खारिज करवाई है जो कि कब्जे हुए हुए थे। 21,000 एकड़ जमीन, इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी कीमत है, 27 अरब रुपए की जमीन है जो हमने छुड़वाई है अभी तक। जी आगे। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने एक और इल्तिजा की थी ग्रीस से जो हमारे कॉलर थे, कहते कि जो पोर्टल है PMDU जो है उस पर 2 दफा ये कर चुके हैं शिकायत, लेकिन वो उधर एड्रेस नहीं हो रही है, उन्हें कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर वो आप भेज दें जो जिधर आपने उनको भेजा, वो हमें जरा किस तरह भिजवाएंगे आप हमें? आप अपना कॉल, अपना नंबर दे दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आपकी वो जो आपने पोर्टल पे भिजवाई है वो हम अभी चेक करके देखते हैं कि क्यों नहीं आई आप। वज़ीर आज़म ऑफिस आपसे रब्ता करेगा। जी अगले कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी जी कौन सा? सर उस्मान अगर इसी से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान भाई क्या सवाल है? जी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कीजिएगा, आपका सवाल। जी सलाम वालेकुम साहब।
हेलो जी 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 आ रही है आवाज। प्रवीण साहब मैं 2012 से इटली में मौजूद हूँ, माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे चाचा ने हमारी जमीन से कब्जा कर लिया, हम किराए घर में रहे, उन्होंने घर से मार पीट के मेरे माँ बाप को निकाल दिया है। कल उन्होंने कब्जा कर लिया हमारी जमीन के ऊपर, पुलिस वाले नाल साथ मिले हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं नहीं सुनवाई। जो मैं पैसा कमा रहा हूँ अदालतों में जा रहा है, पुलिस वाले ले रहे हैं, साथ वाले चौधरी ले रहे हैं। अच्छा मैं एक इस वक्त हमने जो इस्लाहात किए हैं, ये बड़ा मसला पाकिस्तान में कि जब ज़मीन का केस अदालत में जाता है तो वो फिर आपके बच्चे ही, अगर आप मैं केस करूँगा तो बच्चों के टाइम में शायद वो केस का हल हो जाए, यानी 30-30, 40-40 साल केस पड़े रहते हैं। हमने एक सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इस्लाहात की है, आज पख्तूनख्वा के अंदर वो चल रही हैं, आज इस्लामाबाद में वो इस्लाहात है कि वो केस जमीन का भी हो तो वो एक साल के अंदर हल होगा। सिर्फ इस वक्त पंजाब में किसी वजह से वो रुका हुआ है, हमने पंजाब की असेंबली ने भी उसको पास किया हुआ है, ये मैं चेक करूंगा किधर फंसा हुआ है, मेरे ख्याल में अदालत ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है उसके ऊपर। देखें ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर लगे हुए हैं रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो सिविल प्रोसीजर कोड है जिस पर ये ज़मीनों के केसेस हैं इसके ऊपर हम इस्लाहात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पंजाब के अंदर ये नहीं हुई। और ये प्लीज़ आप चेक करना, आपने बताना है कि पंजाब में किस वजह से रुकी हुई है। उससे होगा ये कि आपके एक साल में मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आपका जो केस है आप मेहरबानी करके हमें ये बात में मैंने नोट कर लिया आपका नंबर, हम आपसे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कानून के तरीके से कैसे आपका छुड़वा सकते हैं। जी आपकी कॉल का सिलसिला मुतवातर जारी है, बहुत सी लोगों की कॉल नहीं मिल पा रही होगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस वक्त कॉल कर रहे हैं और मल्टीपल लाइंस भी मौजूद हैं, आप जरूर कोशिश कीजिए और आपकी कॉल इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब इस वक्त हम एक वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आवाम से बराह रास्त रابطے में थे, आवाम के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती की वजह से